हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं एड्रेसिंग मोड एंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ऑपकोड, ऑपरेंड, वो सारी चीज़ें क्या होती है, उसके अंदर कितने बाइट्स के डेटा स्टोर हुए किए जाते हैं, रजिस्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत आपको असेंबली लैंग्वेज भी बताई थी। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर किस किस तरीके के कोड आते हैं, ठीक है, जो हम किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन सिस्टम को देते हैं तो कोड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो भी रजिस्टर के अंदर कोड होता है वो कोड हमारे एड्रेसिंग मोड के अंदर किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों इन दोनों टॉपिक के बारे में हमें इस लेक्चर के अंदर स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीखने वाले थे हम आज के लेक्चर के अंदर असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज इस तरीके से दी जाती है, उसके सारे सिंबल यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट करके दिए हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो भी कोड आपको ये दिए जाते हैं वो वन टाइप ऑफ एक हेक्साडेसिमल कोड के अंदर होते हैं और उसका एक सिंबल रहता है। मतलब जब भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो एक सिंबल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसका जो सिस्टम है, मतलब उसको जो समझना है, सिस्टम को समझाना है, वो एक हेक्साडेसिमल कोड के अंदर, मतलब बाइनरी फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारे लिए उसका मीनिंग क्या हो जाता है उसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे साइड में डिस्क्रिप्शन के कॉलम के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिया गया कि सारे सिंबल हमें सिंपली समझ में आ ही जाएगी, कुछ इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने वो भी बताया था कि अगर ऑपकोड के अंदर स्टार्टिंग का जो जीरो है तो इनडायरेक्ट रजिस्टर होता है, वन होगा तो डायरेक्ट रजिस्टर होगा, मतलब वो डायरेक्ट मेमोरी में से डेटा उठाएगा, या जीरो होगा तो डायरेक्ट मेमोरी में से डेटा नहीं उठाएगा, मतलब एक बीच में मेमोरी आती है जिसकी मदद से वो टेम्पररी डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो ये दो अलग अलग चीज थी, जीरो और वन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम कमांड यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होता है। तो एंड सिंबल की मदद से क्या होता है कि एंड मेमोरी वर्ड टू एक्यूमुलेटर, मतलब वो एक्यूमुलेटर के अंदर वो स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर हो रहा है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्यूमुलेटर मतलब वन टाइप ऑफ हमारा रजिस्टर। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे रजिस्टर देखे, तो उसमें से ये एक रजिस्टर है जिसके अंदर हम डेटा को या फिर ऑपकोड को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आएगी एड मेमोरी वर्ड टू एक्स एक्यूमुलेटर, मतलब ऐड की मदद से क्या होगा कि किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर करवाना है या फिर कैलकुलेशन करवाना है तो उसके लिए लोड LDA, मतलब इससे लोड होता है मेमोरी के अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा। ठीक है, फिर STA, स्टोर कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन मेमोरी, मतलब स्टोर कंटेंट, मतलब जो भी डेटा रहता है, जो भी कंटेंट रहता है एक्यूमुलेटर के अंदर, मेमोरी के अंदर वो स्टोर करेगा। फिर है कि BUN, मतलब ब्रांच अनकंडीशनल का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे कि जैसे कि हम रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ते हैं कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, वो सारी कंडीशन इसके अंदर आ जाती है। मतलब किस तरीके की ब्रांच के अंदर कंडीशन उसको लगानी वो खुद ही डिसाइड कर लेगा वहां से। ठीक है, फिर एक BSA, ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेटा है वो सेव कर देगा और ब्रांच को कैलकुलेट भी करेगा, सेव करने के बाद उसका एड्रेस भी, वो कहाँ पे स्टोर हुआ है वो भी आपको दे देगा। फिर एक ही इज जीरो, मतलब वो जीरो तो नहीं है ना, इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ जीरो, मतलब जीरो आएगा तो उसको क्या कर देगा, वो स्किप कर देगा। तो ये सिंबल्स थे। उसके बाद है कि CLA, मतलब वो एक्यूमुलेटर को क्लियर करेगा, रजिस्टर के अंदर किसी भी तरीके का डेटा पड़ा हो तो उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव किस तरीके का डेटा एग्जैक्टली उसके अंदर स्टोर होने वाला है, तो उसके लिए ये सारे कमांड सिंबल्स दिए गए। CLA मतलब क्लियर, CLE मतलब क्लियर ई नाम की एक रजिस्टर रहती है, ABCDEF, और एक्यूमुलेटर इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग रजिस्टर रहते हैं, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, जो हमने कल देखा था। ठीक है, फिर एक यहाँ पे CMA मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी डेटा है उसका उल्टा, जो भी डेटा पड़ा है उसको वो उल्टा कर देगा, उसका यहाँ पे कोड भी आपको दिया हुआ है। फिर एक CME, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई के अंदर जो डेटा पड़ा है उसका कॉम्प्लीमेंट। फिर एक CIR, सर्कुलर राइट SCNE, मतलब वो जितने भी बीट के अंदर डेटा रहेगा वो सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट के फॉर्म में वो डेटा को कन्वर्ट करेगा। फिर CIL, सर्कुलर लेफ्ट। फिर INC, मतलब वो इंक्रीमेंट करेगा जितनी भी उसके पास इंस्ट्रक्शन रहेगी उसके हिसाब से। फिर SPA, स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ एक्यूमुलेटर पॉजिटिव, एक्यूमुलेटर पॉजिटिव मतलब उसके बाद ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट हो रही है तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देगा। फिर एक SNA, स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ SC नेगेटिव, वो नेगेटिव होगा तो। फिर एक स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ SC जीरो, अगर वो डेटा खाली रहेगा तो वो क्या करेगा, स्किप करेगा।
फिर एसजेडी, तो अलग अलग फॉर्मेट के अंदर वो क्या करता है कि डेटा को होल्ड, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, क्लियर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, रिवर्स, वो सारी चीजें यहाँ से उसकी मदद से आप कर सकते हो रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो कोड आपको यहाँ पे सिंबल दिया गया। फिर एक ही मुझे इनपुट में से डेटा चाहिए या ले जाना है, तो उसके लिए इनपुट आउटपुट स्किप करना है, स्किप आउटपुट करना है, इंटरप्ट करना है कोई ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन को, वो सारे यहाँ पे आपको सिंबल्स दिए गए, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये सारे सिंबल इस तरीके से दिए जाते हैं कि जिसकी मदद से एड्रेस या रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा आपका पड़ा हुआ है उसको आप टेम्पररी ब्लॉक कर सकते हो, इंटरप्ट कर सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से होती है सारी कैलकुलेशन, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज के फॉर्म में वो हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद वो प्रोसेसर को कंपाइल करने के लिए देता है, जिसके हिसाब से हमें आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास एड्रेसिंग मोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा था कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर किस किस तरीके के कोड आते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिया, ऑपरेशन कैसे करेंगे वो आगे हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे कोड थे, तो ये आपको याद रखने थे या फिर आप कहीं पर भी नोट भी कर सकते हो ताकि पता चलेगा कि एक्यूमुलेटर असेंबली लैंग्वेज किस तरीके से होती है और उसके अंदर किस तरीके का डेटा आता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। फिर एक एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मतलब किस तरीके की इंस्ट्रक्शन मेरे पास आएगी तो वो किस एड्रेस के थ्रू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो वो यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे वो भी दिया गया कि एड्रेसिंग मोड का हम यूज क्यों करते हैं पहली बात, तो ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया है कि द ऑपरेशन फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, किस तरीके का ऑपरेशन करना है वो हमें पहले दिखाया गया यहाँ पे। दिस ऑपरेशन विल बी एग्जीक्यूट ऑन सम डेटा विच इज स्टोर इन अ कंप्यूटर रजिस्टर और मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर जो भी डेटा पड़ा है कंप्यूटर के अंदर या फिर हमारे रजिस्टर के अंदर, तो उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करेगा तो वो कंप्यूटर डिसाइड करता है। तो वे एनी ऑपरेंड इज सिलेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द एड्रेसिंग मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब ऑपरेंड के अंदर जो भी डेटा उसका पड़ा है उसके साथ किस तरीके का कैलकुलेशन करवाना वो एड्रेसिंग मोड के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो पर्पज ऑफ यूजिंग एड्रेसिंग मोड, तो उसका क्या यूज है यूज करने का, टू गिव अ प्रोग्रामिंग फिजिबिलिटी मतलब वर्सालिटी वो देता है यूजर को कि एक फैसिलिटी होगी कि उसको जब वहाँ पे कंप्यूटर के अंदर जो जिस तरीके का कैलकुलेशन होता है वो उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, अपनी तरीके से भी वो इंस्ट्रक्शन देगा तो भी कंप्यूटर वो समझ लेगा। फिर एक टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट इन एड्रेसिंग फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या दिया है कि अगर हम इंस्ट्रक्शन किसी भी तरीके देगा तो क्या करेगा कि रजिस्टर असेंबली लैंग्वेज के अंदर उसको क्या करेगा कि शॉर्ट फॉर्म के अंदर वो रिड्यूस कर देगा, मतलब उतनी जो पूरी लाइन हम लिख रहे हैं वो हमारे लिए सिस्टम को समझाने के लिए। तो क्या होता है वन टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज यूज होती है, मतलब वो कोड को रिड्यूस कर देगा, छोटा कर देगा, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड आपको पता चल गया, तो उसकी दो ही बेनिफिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि यूजर को बेनिफिट रहेगा किस तरीके की प्रोग्रामिंग उसको करनी है, दूसरा कोड है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों तरीके के लिए एड्रेसिंग मोड का यूज किया जाता है। फिर एक उसके अंदर किसने तरीके के एड्रेसिंग, यहाँ पे तो हमें 5 तरीके के एड्रेसिंग मोड दिए गए, तो इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के एड्रेसिंग मोड आते हैं, पर ये जो 5 तरीके दिए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इमीडिएट मोड दिया गया है, उसके बाद रजिस्टर मोड दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड दिया गया है, फिर एक ही डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और दूसरे बाद दिया गया है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे एड्रेसिंग मोड दी गई है अलग अलग टाइप की। तो डिटेल में जानने के लिए हम पहले तो इमीडिएट मोड को देखेंगे कि इमीडिएट मोड एग्जैक्टली क्या होता है, उसके अंदर किस तरीके की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इमीडिएट मोड फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे लिखा है इन दिस मोड द ऑपरेंड मतलब डेटा इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, मतलब इस इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपरेंड को किस तरीके से दिया जाएगा वो स्पेसिफाई करके रखना पड़ता है। फिर एक इमीडिएट मोड इंस्ट्रक्शन हैज एन ऑपरेंड फील्ड रादर देन द एड्रेस फील्ड, ठीक है। तो एड्रेस फील्ड के अलावा वो क्या करता है कि डायरेक्टली ऑपरेंड के अंदर जो भी डेटा पड़ा है फील्ड पड़ी है उसको भी वो डायरेक्टली यूज करेगा, ठीक है। एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया कि ऐड नाम की जो असेंबली लैंग्वेज मतलब 7 को मुझे ऐड करवाना है, ठीक है। तो 7 यहाँ पे लिख दिया विच से ऐड 7 टू
कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर 7 को वो ऐड करेगा, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर के अंदर जो ऑलरेडी डेटा पड़ा है उसके अंदर वापस 7 ऐड हो जाएगा, तो 7 इज द ऑपरेंड हियर। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑपरेंड मतलब 7 जो डेटा है उसको यहाँ पे बोला जाता है ऑपरेंड, ठीक है। तो इमीडिएट मोड क्या कहता है कि डायरेक्टली एक्यूमुलेटर के साथ ही वो सारा कुछ कैलकुलेशन करता है, मतलब एक्यूमुलेटर के साथ ही उसका सारा कुछ परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। तो उसके बाद है कि रजिस्टर मोड, ठीक है। तो रजिस्टर मोड के अंदर क्या दिया गया कि अलग अलग समथिंग 8 रजिस्टर हर एक सीपीयू के अंदर बाय डिफॉल्ट होते हैं। हर एक रजिस्टर की मैक्सिमम लेंथ होती है 264 KB, ठीक है। इतनी KB वो स्टोर डेटा को स्टोर कर सकता है। तो रजिस्टर, तो यहाँ पे लिखा है कि इन दिस मोड द ऑपरेंड इज स्टोर्ड इन अ रजिस्टर। तो वहां पे इमीडिएट मोड के अंदर जो भी हमारा डेटा था वो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो रहा था, और रजिस्टर के अंदर हमारा डेटा है वो रजिस्टर के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी रजिस्टर हो सकता है 8 में से, ABCDEFGH में से। एंड दिस रजिस्टर इज प्रेजेंट इन सीपीयू। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सारे जितने भी रजिस्टर होते हैं सीपीयू के अंदर ऑलरेडी होते हैं, वो 8 तरीके के होते हैं अलग अलग, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया है इंस्ट्रक्शन हैज द एड्रेस ऑफ रजिस्टर वेयर द ऑपरेंड इज स्टोर। तो हर एक इंस्ट्रक्शन की एक एड्रेस रहती है जिसके अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो वन टाइप ऑफ एक एड्रेस के अंदर रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या है, तो शॉर्टर इंस्ट्रक्शन एंड फास्टर इंस्ट्रक्शन फैच, मतलब वो इंस्ट्रक्शन कोड उसकी छोटी हो जाती है और उसका वर्क वो ज्यादा फास्ट हो जाता है। फास्टर मेमोरी एक्सेस टू द ऑपरेंड, मतलब जो भी इमीडिएट मोड के अंदर रजिस्टर में से वो डायरेक्टली डेटा उठा रहा है उससे वो ज्यादा फास्ट वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए दिया गया इंस्ट्रक्शन यहाँ पे तो दी गई है, पर उसका एक में एड्रेस है और दूसरे के अंदर क्या दिया कि उसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि रजिस्टर में से डायरेक्टली वो डेटा को ऑपरेंड के फॉर्म में, मतलब इसी के अंदर डायरेक्टली डेटा को स्टोर करेगा। उसका एड्रेस तो यहाँ पे दिया गया, तो एड्रेस के थ्रू मेमोरी को, मतलब इस वैल्यू को एक्सेस करेगा। जैसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं कि इंटीजर ए मैंने लिख दिया, तो ए के अंदर मैंने 5-6 कोई भी वैल्यू दे दी है, तो मैं ए लिखूंगा तो उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो मुझे दे देगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी वर्क होता है सेम टू सेम, ठीक है। फिर उसके डिसएडवांटेज क्या है, तो वेरी लिमिटेड एड्रेस स्पेस, मतलब मैं उसके अंदर बहुत बड़ी वैल्यू मुझे डालनी है तो मैं नहीं कर सकता, तो उसके लिए मुझे डेटा दूसरे डेटा को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यूजिंग मल्टीपल रजिस्टर हेल्प परफॉर्मेंस बट इट कॉम्प्लिकेट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो रजिस्टर के अंदर जो भी मल्टीपल रजिस्टर रहते हैं वो हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बट इट इज कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि एक के अंदर इसके पास डेटा पड़ा है वो दूसरे को भी उसका कैलकुलेशन करने दोगे तो दोनों के अंदर कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर मोड, ठीक है। तो इस तरीके से रजिस्टर मोड को डिफाइन किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रजिस्टर इनडायरेक्ट मतलब मेमोरी में से वो डेटा उठाएगा और रजिस्टर के अंदर वो स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इन दिस मोड द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द रजिस्टर, तो इंस्ट्रक्शन वो रजिस्टर को पहले से ही स्पेसिफाई कर देता है कि हुज कंटेंट की वाज द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज विच इज इन मेमरी, मतलब मेमरी के अंदर कौन सा डेटा उठाना है और एड्रेस के अंदर स्टोर करना है, रजिस्टर के अंदर स्टोर करना है, वो पहले से ही उसको इंस्ट्रक्शन के थ्रू दिया गया है। द रजिस्टर कंटेन द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड रादर देन द ऑपरेंड इटसेल्फ, मतलब वो क्या कहता है कि ऑपरेंड जो डेटा पड़ा है उसको डायरेक्टली स्टोर नहीं करता, उसका जो एड्रेस है उसको स्टोर करेगा और मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा। तो ये हो गया वन टाइप ऑफ मेमोरी। रजिस्टर की मदद से क्या होता है कि इनडायरेक्ट, मतलब इसकी मदद से हमारा डेटा है वो मेमोरी में डायरेक्टली स्टोर होता है। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया कि मेमोरी के अंदर मुझे कभी भी डेटा को स्टोर करवाना है तो मैं यहाँ पे रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड का यूज करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है, मतलब मेमोरी के अंदर डायरेक्ट मुझे डेटा को स्टोर कर देना तो बीच में कोई रजिस्टर की मुझे जरूरत नहीं, तो वो हो जाता है वन टाइप ऑफ हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे जैसे आपको दिया गया है कि एक ग्राफिकली फॉर्म में एक इंस्ट्रक्शन है और उस पिछले वाले जो रजिस्टर था उसके अंदर क्या था, रजिस्टर इनडायरेक्ट के अंदर बीच में हमारे पास एक रजिस्टर था जो सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू के थ्रू डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, जबकि रजिस्टर इनडायरेक्ट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर बीच में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, डायरेक्टली मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। इन दिस मोड इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर ही उसका एड्रेस
स्टोर रहता है, सिंगल मेमोरी रेफरेंस टू एक्सेस डेटा, मतलब उसको एक ही मेमोरी एड्रेस दी जाती है कि डेटा को स्टोर करने के लिए, नो एडिशनल कैलकुलेशन टू फाइंड इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ओवरहेड, मतलब इसके साथ किसी भी तरीके का कैलकुलेशन उसको करना है तो अलग से कोई मेमोरी या रजिस्टर उसको नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा, मतलब किसी भी तरीके की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें, डायरेक्टली मेमोरी में डेटा स्टोर करवाना है तो हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इस तरीके से इसकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। फिर एक ही इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या यूज करते हैं, हम पॉइंटर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो भी हमारा डेटा है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर तो है ही, पर हम उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर उसका एड्रेस वो यहाँ पे स्टोर करेगा और उस एड्रेस के थ्रू हम उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, मतलब वेरिएबल तो पड़ा है उसके अंदर जो भी डेटा है, पर दूसरे वेरिएबल की मदद से ओरिजिनल डेटा को हम चेंज कर सकते हैं, तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी यहाँ पे बोल सकते हैं। इन दिस मोड द एड्रेसिंग फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन गिव द एड्रेस वेयर द इफेक्टिव एड्रेस इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी, ठीक है। तो इफेक्टिव एड्रेस जो भी हमारा पड़ा है वो मेमोरी के अंदर ही रहेगा और उसको जो इनडायरेक्ट एड्रेस पॉइंट कर रहा होगा वो भी हमारा मेमोरी के अंदर ही पड़ा होगा वेरिएबल, तो उस वेरिएबल को इंस्ट्रक्शन के पास डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए उसका एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं जो भी उसके पास डेटा पड़ा है उसको। दिस स्लो डाउन द एग्जीक्यूशन, मतलब एक के पास दूसरा दूसरे के पास रही है तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस है वो बहुत ही एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। एज दिस इंक्लूड मल्टीपल मेमोरी लुकअप टू फाइंड ऑपरेंड, मतलब बहुत बार उसको क्या करना पड़ता है, अलग अलग मेमोरी में से लुकअप लगाना पड़ता है तभी उसको वो डेटा मिलता है, तो इसके अंदर बहुत ही स्लो चलेगा ये, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो इतने तरीके के हमारे पास एड्रेसिंग मोड रहता है, ठीक है। तो आपको पता चला होगा कि जो भी हम डेटा या वेरिएबल बनाते या फिर इंस्ट्रक्शन देते वो इस पांच तरीके के अंदर मेनली 90% तो इस पांचों का ही यूज होता है कि किस तरीके की मुझे कैलकुलेशन करवानी है तो कौन से एड्रेसिंग मोड की मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये पांच तरीके बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन साइकिल, मतलब जिस तरीके की भी इंस्ट्रक्शन दूंगा तो वो प्रोसेस किस तरीके से होगी, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पे दिया गया है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल आल्सो नोन एज अ फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, मतलब डेटा को फैच करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा और उसके साथ जो भी प्रोसेस करनी हो देगा और उसको आउटपुट के अंदर भेज देगा, तो ये साइकिल होगी। Fetch, decode, execute cycle is the basic operational process of a computer. मतलब किसी भी तरीके की instruction मिलेगी तो उसको किस तरीके से calculation करवाना है, ठीक है, उस किस तरीके से उसकी cycle चलती है तो वो fetch, decode और execute के form में चलती है। फिर एक this process is repeated continuously by CPU from boot up to shut down the computer. मतलब जब तक ये CPU है या फिर PCU बंद नहीं होता तब तक ये जितनी भी उसके पास इंस्ट्रक्शन आती है या फिर बैकग्राउंड में जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ठीक है, वो सारी प्रोसेस जब तक पीसी है या फिर सीपीयू शट डाउन नहीं होता तब तक ये इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑलवेज चलती ही रहती है, ये कभी भी बंद नहीं होती, ठीक है। फिर एक ही द फॉलोइंग आर द स्टेप दैट अकर ड्यूरिंग इन इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन साइकिल के दौरान कितनी इंस्ट्रक्शन चलती है, तो फैच पहले तो चलती है कि फैच इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन को हमें पहले तो फैच करवाना है, फिर डिकोड करना है, फिर रीड द इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है, रीड द इफेक्टिव एड्रेस एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है। पहले तो क्या होगा, फैच, डिकोड, रीड करेगा उसको और उसको एग्जीक्यूट करना चालू होती है। ये चारों प्रोसेस हम डिटेल में समझते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन साइकिल के पोर्शन के अंदर। तो फर्स्ट है फैच इंस्ट्रक्शन, जिसकी मदद से हमारा जो भी डेटा है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हो कहाँ पे स्टोर होते, तो इसके पहले लेक्चर के अंदर मैंने जितने भी रजिस्टर थे वो आपको बताए थे, तो हर एक रजिस्टर का अलग अलग वर्क रहता है। तो इंस्ट्रक्शन इज फैच फ्रॉम मेमरी एड्रेस दैट इज स्टोर इन प्रोग्राम काउंटर, मतलब जो भी मेमरी एड्रेस के मेमरी के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी रहती है उसको वो पहले क्या करेगा कि प्रोग्राम काउंटर के थ्रू मेमरी में से फैच करेगा एंड स्टोर इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मतलब आयर के अंदर वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर डेटा को स्टोर करेगा। एट द एंड ऑफ फैच ऑपरेशन
पीसी इज मतलब प्रोग्राम काउंटर नाम का जो रजिस्टर वो इंक्रीमेंट हो जाएगा वन एंड इट देन पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको रीड करने के लिए वो प्रोग्राम काउंटर हर बार एक 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 बढ़ाता रहेगा जितनी भी उसके पास इंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड में लोड होती है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके इन दोनों रजिस्टर का काम होता है इंस्ट्रक्शन को फेच करने का मेमोरी में से, और किस तरीके से उसकी हर एक इंस्ट्रक्शन को रन करना है वो सारा डिसाइड ये दोनों रजिस्टर के थ्रू होता है। फिर एक डिकोड द इंस्ट्रक्शन, द इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज एग्जीक्यूट बाय डिकोडर, मतलब उसके अंदर क्या दिया गया है कि वन टाइप ऑफ डिकोडर दिया गया है जिसकी मदद से किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शन उसको मिलेगी तो कैलकुलेशन किस तरीके से होगा उसको मतलब उसको 0101 फॉर्मेट के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा वो डिकोड करते टाइम हम पता चलेगा। फिर एक रीड द इफेक्टिव एड्रेस, मतलब कौन से एड्रेस के अंदर हमारी जो इंस्ट्रक्शन है उसको रीड करवाना है कैलकुलेट करवाना है तो वो रीड द इफेक्टिव साइकिल के अंदर फाइंड आउट होगी। इफ द इंस्ट्रक्शन हैज एन इनडायरेक्ट एड्रेस तो इफेक्टिव एड्रेस इज रीड फ्रॉम द मेमोरी, मतलब जैसे हमने अभी एड्रेसिंग मोड जितने भी ऊपर थे वो पढ़े थे, ठीक है। तो उसके अंदर कौन सा एड्रेसिंग मोड इफेक्टिव रहेगा इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट करने के लिए वो मेमोरी में से ही डिसाइड होके आता है, अदरवाइज ऑपरेंड आर डायरेक्टली रीड इन केस ऑफ इमीडिएट ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन, मतलब जब भी उसको डेटा को सिर्फ रीड करना रहता है तब क्या होता है कि इमीडिएट ऑपरेंड का एड्रेसिंग मोड का ही यूज होता है, ठीक है। तो ये तीन हो गए। उसके बाद है कि एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, मतलब उसके पास इंस्ट्रक्शन आ गई तो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किस तरीके से करना है और आउटपुट किस तरीके से देना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए कंट्रोल यूनिट का यूज किया जाता है, द कंट्रोल यूनिट पासिस द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल सिग्नल टू द फंक्शनल यूनिट ऑफ सीपीयू, मतलब सीपीयू के पास जो फंक्शनल यूनिट रहता है उसको वो कंट्रोल सिग्नल के थ्रू इन्फॉर्म करेगा कि इस इंस्ट्रक्शन को अभी उसको रन करवाना है। द रिजल्ट जनरेटेड इज स्टोर्ड इन अ मेन मेमोरी, मतलब जो भी इसके पास कंट्रोल यूनिट के पास जो भी कैलकुलेशन रन होगा वो स्टोर करने के लिए उसके पास मेन मेमोरी रहती है, वो सेंड टू द आउटपुट है, मतलब मेन मेमोरी में से वो आउटपुट के अंदर आउटपुट डिवाइस रहता है वहां पर वो आउटपुट को भेज देगा। The cycle is then repeated by fetching the next, मतलब जो साइकिल फिर से रिपीट होगी कि रेड डेटा को फेच किस तरीके से करवाना है उसके बाद किस तरीके से उसको कैलकुलेशन करवाना है और वापस उसको रीड और एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है, तो ये साइकिल वापस रिपीट होगी, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का यहाँ पे आपको दिया गया है एक डायग्राम जिसकी मदद से आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि इंस्ट्रक्शन साइकिल किस तरीके से वर्क होती है। तो जो भी हमारी स्टार्ट जैसे ही करेगी एल्गोरिथम के थ्रू समझेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है कि लोड द एड्रेस, मतलब वो क्या कहता है कि प्रोग्राम काउंटर को लोड करवाएगा जिसकी मदद से जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिली है प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर के पास जो उसने एक इंस्ट्रक्शन पड़ी वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर लोड करेगा, उसको वो डिकोड करना चालू करेगा। फिर क्या करेगा वो कि अपडेट करेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसको कौन सी देनी है। फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट चालू हो जाएगा, सर्विस अगर इंटरप्ट हो गई तो वो क्या करेगा कि वापस वो रिपीट करेगा इस प्रोसेस को, ठीक है। तो इंटरप्ट की मदद से सारी कैलकुलेशन हमारी सर्विस की मदद से सारी कैलकुलेशन यहाँ पे होती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इंटरप्ट के अंदर चली जाती है और वापस उसको लूप के अंदर डाल देती है इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इंस्ट्रक्शन साइकिल, इस तरीके से ये सारी कुछ वर्क होती है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर जितना भी हमने पढ़ा था तो उसके रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको सबमिट करवाना है ताकि आपकी अटेंडेंस सही तरीके से हो जाए, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इसके अंदर एड्रेसिंग मोड असेंबली लैंग्वेज इन सबका एक मिक्सअप हमें देखा, ठीक है। तो आगे भी इसकी बहुत सारी अलग अलग डिटेल के अंदर आर्किटेक्चर उसका स्ट्रक्चर आएगा तो वो भी हम देखने वाले, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, थैंक यू।